अज असी सिखां दे छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की लाइफ हिस्टरी दसन जा रहे हाँ। सो आप जी वीडियो नूं एंड तक जरूर देखो। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 ईस्वी नूं अमृतसर तो 10 किलोमीटर दूर वडाली पिंड विच सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी अते माता गंगा जी दे घर विखे होया। कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी दे व्याह दे बहुत सालों तक संतान ना होने करके माता गंगा जी उदास रहन लग पए, जिन्हां नूं वेख के गुरु अर्जन देव जी ने माता गंगा जी नूं बाबा बुढ़ा जी दे कोल संतान प्राप्ति दा वर मंगण लई भेजिया। असल विच बाबा बुढ़ा जी गुरु घर दे सच्चे सेवक सन, जिन्हां ने सिखां दे पहले गुरु श्री नानक देव जी तो लैके छेवीं पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की सच्चे मन नाल निस्वार्थ सेवा निभाई। बाबा बुढ़ा जी दे वरदान तो ही माता गंगा जी नूं श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी वर्गा महाप्रतापी पुत्र प्राप्त होया। जिथे बालक हरगोबिंद साहिब जी दे जन्म दियां बहुत खुशियां मनाई जा रही सन, उत्थे दूजे पासे गुरु अर्जुन देव जी दे वड्डे भरा भाई पृथ्वी चंद अते उहनां दी पत्नी करमो नूं इस खबर नाल वड्डा झटका लग्या, क्योंकि उहनां नूं लगदा सी कि गुरु अर्जन देव जी दे घर तां कदी संतान नहीं होनी, बल्कि भविख विच तां उहनां दे पुत्र मेहरबान नूं ही गद्दी प्राप्त होवेगी। इस करके ईरखावश पृथ्वी चंद ने बालक हरगोबिंद साहिब जी नूं जान तो मारन दियां असफल कोशिशां कीतियां। एक वारी तां पृथ्वी चंद ने बालक हरगोबिंद साहिब नूं दुध विच जहर मिला के पिलाण दी कोशिश कीती, दूजी वार उसने जहरीला सप छड दिता, परंतु यह सारिया साजिशां नाकाम हो गईयां। बाबा बुढ़ा जी ने ही बचपन विच बालक हरगोबिंद साहिब की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी निभाई अते भाई गुरदास जी ने आप जी नूं शस्त्र विद्या विच निपुण किया। बाबा बुढ़ा जी ने बालक का नाम रखिया हरगोबिंद। इतिहास विच दर्ज है कि श्री गुरु अर्जन देव जी गुरु नानक देव जी दे सिद्धांतां ते चलदे होए सारे धर्मां दे लोकां नूं बराबर समझते सन, जिस कारण सारे लोग उन्हां तो बहुत प्रभावित सन। गुरु जी दी प्रसिद्धि वधदी गई अते हर कोई गुरु अर्जन देव जी नूं सच्चे पातशाह कहण लग पिया। जदों जहांगीर नूं गुरु जी दी प्रसिद्धि बारे पता लग्गिया, उह तां पहलां तो ही सिख गुरुआं नाल वैर रखदा सी। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 11 ਜੂਨ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ 1606 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1644 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸਤ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
आप जी ने हरिमंदर साहिब विखे अकाल तख्त भी बनवाया जिथे आप जी सिखा नाल अहम फैसले लिया करते सन अते अपने सिखा नू फौजी ट्रेनिंग भी दिंदे सी। इस तरह सिख धर्म नू एक लड़ाकू जत्थेबंदी विच बदलन दी आप जी वल्लों पहल कीती गई। आप जी सिखा नू एक पासे पंज गुरुआं दी सिख्यावां अनुसार सतनाम दा जाप करवाया करदे, दूजे पासे मुगलां दे जुल्मां विरुद्ध हथियार भी चुकण दा हुक्म दिंदे। आप जी ने संगतां नाल एक वचन कीता सी कि जिथे मजलूम दुखियां वास्ते देग होवेगी यानी लंगर चलाए जाणगे उत्थे ही जुल्मी अते पापियां नू खत्म करन लई देग यानी तलवार भी होवेगी। अपनी संगत विच आप जी ने हुक्म दिता कि हुण तो दसवंद वजो अपनी सेवा दे तौर ते तन दौलत देन दी बजाए सिर्फ कोड़े अते हथियार ही भेटा कीते जाण। सो इस तरह आप जी दे हुकम दी पालना करदे होए संगतां ने हथियार अते कोड़े गुरु जी दी सेवा विच भेटां देनियां शुरू कर दित्तियां। इस तरह गुरु जी कोल बहुत सारे शस्त्र अते कोड़े इकट्ठे हो गए। हुण गल करिए गुरु जी दे निजी जीवन बारे। आप जी दे तीन व्याह होए सन। आप जी दा पहला व्याह माता दमोदरी जी दे नाल होया जिन्हां तों आप जी नूं दो पुत्तर बाबा गुरदत्ता जी ते बाबा अनिराय जी ते एक पुत्री बीबी वीरो जी दी प्राप्ति हुई। दूजी पत्नी माता मरवाही जी सन जिन्हां तों दो पुत्तर बाबा सूरजमल अते बाबा अटल राय जी दी प्राप्ति हुई। तीजा व्याह माता नानकी जी दे नाल होया सी जिन्हां तों आप जी नूं गुरु तेग बहादुर जी दी प्राप्ति हुई जो बाद विच सिखां दे नौवें गुरु बने। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए आप जी वध तो वध समा भगती विच बिताउंदे। समाधि तो उठ के हर रोज़ श्री हरिमंदर साहिब दर्शनां लई जाया करते जिथे संगतां नूं धार्मिक उपदेश दिंदे। शाम नूं रहरास दा पाठ करन उपरांत दीवान दी समाप्ति तो बाद आप जी अपने महल आ जांदे। ऐसी आप जी दी रोज़ दी रूटीन। इतिहास विच दर्ज है एक बारी चंदू आप जी दे कोल अपनी कुड़ी दा रिश्ता लेके आया जो कि पहले भी एक बारी आप जी दे पिता गुरु अर्जुन देव जी कोल यही प्रस्ताव लेके आया सी। कहा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी दे पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भी चंदू की पेशकश नूं ठुकरा दिता यह कहिंदया होया कि वह अपने पिता के कातलां नाल कोई संबंध नहीं रखना चाहता। दूजी बार हुए इनकार तो चंदू बहुत गुस्से विच आ गया। उन्हें दिल्ली जाकर जहांगीर नूं भड़कांदया होया कहा कि जा पना गुरु अर्जन देव जी की गद्दी ते जो उसका पुत्र बैठा है उसने ढेर सारी फौज रख ली है, अपने बैठन लई एक तख्त भी रचा लिया है, बादशाह वांग कलगी लगांदा है अते शस्त्र धारण करता है, उसने अपनी फौज तैयार कीती हुई है, जेकर हुण उस नूं रोकिया ना गया तो किसी भी दिन तुहाडे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। चंदू द्वारा उकसाए जानते जहांगीर ने अपने दो सेवकां नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं सत्कार सहित लियाउण लई अमृतसर भेजिया। गुरु जी अपने माता जी ते बाबा बुढ़ा जी की आग्ञा लेके पांच सेवादारां नाल दिल्ली जहांगीर कोल पुज गए। जहांगीर ने आप जी नूं आदर नाल सोहने आसन ते बैठन लई कहा अते पुछण लगा हे पीर जी, साडे देश विच हिंदू ते मुस्लिम दो धर्म हन, दोवें धर्म वक्रे वक्रे कर्म करते हैं, हिंदू राम ते मुस्लिम अल्लाह कहिंदे हन, दोवें अपने अपने धर्म नूं चंगा कहिंदे हन, किरपा करके दसो केड़ा धर्म चंगा है। गुरु जी ने कहा सुनो जहांगीर, धर्म ओही चंगा है जो चंगे काम करांदा है, बंदगी करवांदा है अते किसी नूं दुखी नहीं करदा। अजिहे शब्द सुन के जहांगीर गुरु जी तो बहुत खुश होया। उसने 1000 रुपया गुरु जी नूं भेटा करके मत्था टेकिया। आप जी ने उस वेले वह सारा धन गरीबां विच वंड दिता। कहा जाता है कि एक बार जहांगीर ने गुरु जी नूं अपने नाल शिकार ते जाण दी पेशकश की। गुरु जी उस दी गल मन के शिकार खेडन चल पे। जंगल विच एक शेर ने अचानक राजे ते हमला बोल दिता। शेर की जोरदार ललकार सुन के सारे सिपाही डर के सहम गए। राजे दे सेवक शेर का मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा पाए।
फिर राजे ने गुरु जी अगे बेनती की, हे गुरु जी मैनू इस शेर तो बचा लवो। गुरु जी ने उस वेले शेर नू मार गिराया ते राजे की जान बचा ली। राजा गुरु जी की हिम्मत ते दिलेरी वेख के बड़ा हैरान होया, नाले शुक्रिया अदा किया। उन्हां दा आपस विच वद्दा मेलजोल देख के चंदू अग बबूला हो गया। सोचन लगा कि इन्हां दी दोस्ती किदां तोड़ी जा सके। एक बारी जहांगीर बहुत बीमार हो गया, बड़ा इलाज करवाने बावजूद भी राजा दा बुखार ठीक ना होया। चंदू ने एक ज्योतिष नूं बुला के 500 रुपये दे के उसनूं सिखा दिता कि तुसी राजे नूं कह दिओ कि जेकर कोई धर्मात्मा पुरख 40 दिनों तक ग्वालियर के किले विच एकांत स्थान ते बैठ के राजे की चंगी सेहत लई अरदास करेगा ताही ए बुखार ठीक हो सकता है। ज्योतिष के मुखों ए गल्लां सुन के राजे ने अपने सेवादारा नूं कोई इस तरह का धर्मात्मा पुरख लभ के लियाण नूं कहा। चंदू अगे ही मौका वेख रहा सी, झट बोलिया, जहां पना श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस काम लई बहुत योग्य पुरख हन। जेकर उन्हां अगे बेनती करके उन्हां नूं ही 40 दिन तक किले विच भेज दिओ तां आप जिते आया कष्ट टल जाएगा। राजे ने चंदू की गल सुन के यह सारी गल गुरु जी दे नाल कीती। अंतरयामी गुरु जी ने उसकी गल मन के अपने 5 सिखां नाल ग्वालियर के किले विच चले गए। जहांगीर ने किले के दरोगा हरिदास नूं हुक्म दिता कि गुरु जी नूं किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जदों माता गंगा जी नूं अपने पुत्र दे बारे खबर मिली तां उन्होंने बाबा बुढ़ा जी नूं आप जी का हाल पता करन लई किले विच भेजिया। सिख संगतां भी बाबा बुढ़ा जी दे नाल गुरु जी दे दर्शन करन लई ग्वालियर दे किले विच आ पुज्जियां। किले दे अंदर जाण दी इजाजत ना मिलन करके उन्हां सारयां ने द्वार ते ही मत्था टेक के अपने मन नूं खुश कर लिया। इतिहास विच दर्ज है कि 40 दिन होण तों बाद भी जदों गुरु जी नूं जहांगीर ने रिहा नहीं कीता तां संगतां अपने गुरु जी दा बेसबरी नाल इंतजार करन लगी। दूजी तरफ जहांगीर रोज़ रात वेले डर दे मारे उठन लग पिया। उसकी डर कारण नींदर ही उठ चुकी सी। तां उसने एक सियाने पीर जलालुद्दीन तो अपनी इस डर की वजह पूछी। पीर ने कहा, तुसी किसी रब दे प्यारे नूं बहुत दुख दिता है जिसका फल तुहानू इस तरह मिल रहा है। कुछ दिन बाद एक होर पीर मियाँ मीर जी ने भी राजे नूं उसके रोग का यही कारण दसिया। सगों उस पीर ने तो चंदू की सारी करतूतां भी दसियां कि किस तरह उन्हें गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता श्री गुरु अर्जन देव जी ने तसीहे दे के शहीद किया सी। ते हुन फिर चंदू के कहने ते तुसी गुरु अर्जन देव जी के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भी कैद कर लिया है जिसका फल बड़ा ही अशुभ होना है। सारियां गल्लां राजे की समझ विच आ गईयां। राजे ने उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं किले तो रिहाई दे आदेश दे दित्ते, परंतु गुरु जी ने रिहा होण तो मना कर दिता। नाले शर्त रखी कि जदों तक वह बेकसूर 52 राजे जो किले विच कैद हन उन्हां नूं ना छड्डिया गया, असी भी इस कैद तो रिहा नहीं होवांगे। राजे ने गुरु जी की गल मंदिया होया कहा कि ठीक है, जिन्हें राजे आप जी का चोला फड़ के कैद चो बाहर निकल सकनगे बस ओने ही राजे असी रिहा कर सकते हाँ। गुरु जी ने एक कला वरती, आप जी ने 52 कलियां वाला चोला सिलवा के पा लिया। फिर सारे 52 राजिया ने आप जी दे चोले की एक एक कली फड़ के जहांगीर की कैद चो आजाद हो गई। इस घटना के बाद तो ही गुरु जी का नाम दाता बंदी छोड़ पै गया। जदों गुरु जी जहांगीर के मैल पुजे उस वेले राजे ने आप जी तो अपने किते गुनाहों लई माफ़ी मंगी अते आप जी के पिता श्री गुरु अर्जन देव जी नूं कैद करन लई भी माफ़ी मंगी। इत्थे एक गल सोचण वाली है कि राजे ने गुरु अर्जन देव जी नूं कैद कीता सी जो बहुत वड्डा गुनाह सी, पर चंदू ने गुरु जी नूं बहुत तसीहे दे के अपना वैर कमाया सी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने चंदू की कुड़ी का अपने पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी दे नाल रिश्ता करन तो इनकार कर दिता सी। इस तरह राजे ने फिर चंदू नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हवाले कर दिता अते कहन लगा, गुरु जी ए तुहाड़ा दोषी है, आप जी दे सिखा ने
चंदू नूं अपने कब्जे विच लैके अमृतसर चल पए। आप जी दे काफ़ी समय बाद घर वापस आने की खुशी विच दीपमाला की गई। अपने परिवार नाल कुछ समय रह के आप जी अपने सिखा नाल चंदू नूं लैके फिर लाहौर पुजे। उत्थों दी संगत आप जी नूं वेख के निहाल हो गई, पर अपने गुरु अर्जन देव जी दे अपराधी चंदू नूं वेख के बहुत गुस्से विच आ गई। उन्होंने चंदू का मूँह काला करके सारे लाहौर शहर विच घुमाया। कहा जाता है कि जदों चंदू उस पट्ठी वाले दे अगों लंघिया तो उस पड़पूंजे ने चंदू नूं गुस्से नाल फड़ के कहा कि उस वेले मैनू बहुत वड्डा पाप करवाने लई मजबूर किया गया सी, ते मेरे हथों तू गुरु अर्जुन देव जी दे केसां विच गर्म गर्म रेत पवाई सी। ऐ कह के उसने चंदू दे सिर विच जोर दी कड़छा मारिया, जिस कारण उसने तड़फदे हुए अपनी जान दे दित्ती। 1627 ईस्वी विच जहांगीर दी मौत तों बाद उसका पुत्र शाहजहां दिल्ली दे तख्त ते बैठ गया। कुछ समय तक गुरु जी नाल शाहजहां दे चंगे संबंध बने रहे, पर पृथ्वीचंद दे पुत्र मेहरबान अते चंदू दे पुत्र दे पड़कान नाल शाहजहां दा गुरु जी प्रति रवैया इन्ना कु बदल गया कि उसने गुरु जी दे विरुद्ध जंग छेड़ दित्ती। आप जी ने इस तरह मुगलों नाल चार जंगा लड़िया। पहली जंग 1634 ईस्वी विच अमृतसर, फिर लहरा, करतारपुर ते फगवाड़े दीयां जंगा लड़िया। सीमित फौज अते साधना दे बावजूद सिखां दी जीत ने उन्हां दे उत्साह अते आत्मविश्वास विच होर वाधा कीता। इस कारण आप जी दी महानता दूर दूर तक फैल गई अते बहुत सारे लोग आप जी दे सिख बनदे चले गए। गुरु जी ने पहले कदी भी मुगलों ते हमला नहीं बोलिया, बल्कि जदों मुगल गुरु जी ते हमला बोलते सी तां ओ डट के जवाब दिंदे सी। आप जी ने ही किरतपुर शहर बसाया, जिथे आप जी ने अपने परिवार नाल 1634 ईस्वी तो 1644 ईस्वी तक का समा बड़ी शांति नाल बिताया। युद्ध की नीति त्याग के धार्मिक कम्मा विच अपना ध्यान लगाया। आप जी दे वड्डे पुत्र बाबा गुरदत्ता जी ने धर्म का प्रचार करन विच आप जी दी बड़ी मदद कीती, पर 24 सालां दी उम्र विच ही आप जी दे पुत्र बाबा गुरदत्ता जी ज्योति जोत समा गए। बाबा गुरदत्ता जी दे छोटे पुत्र बाबा हर राय जी नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिखां दा 7वां गुरु बना दिता। अपना आखिरी समा देख के गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने संगतां नाल वचन किया कि अज तो तुसी साडे पोतरे गुरु हर राय जी नूं साडा ही रूप समझना, जो उन्हां दे विरुद्ध चलेगा उसका लोक ते परलोक बिगड़ जाएगा अते ओ सदा दुख भोगेगा। सारिया ने बाणी पढ़नी है, सतनाम का जाप करना है अते साडे जान का किसी ने कोई शोक नहीं करना। इस संसार विच रब दे नाम तो अलावा सब कुछ नाशवान है। ऐने वचन कह के गुरु जी ज्योति जोत समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।